अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको आज विकास, आप अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग एसएम में देख रहे हो डो ट्रिपल सी पेपर सितंबर 2 टू सितंबर 6, यानी कि आपको जो हाल ही में पेपर हुए हैं सितंबर के, अभी ट्रिपल सी के 2018 के पेपर सेट नंबर 1 है ये। तो मेरे पास पूरा पेपर अवेलेबल है, जैसे कि काफी स्टूडेंट ने मेल और मैसेज किए थे पेपर, अलग अलग जगह से पेपर है तो मिक्स पेपर है। तो पूरा सोल्यूशन आपको सेट बाय सेट मिलेंगे 20-30 करके हिसाब से, क्योंकि एक वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन का सॉल्व करने का मतलब है कि वो वीडियो 1 से 2 घंटे की बन सकती है, तो उतना समय खराब होगा आपका भी और मेरा भी। तो इस पार्ट पार्ट में वीडियो को डाला जाएगा, जिससे कि आपको सारे वो क्वेश्चन मिल सके जो आपको हाल ही में एग्जाम में हुए हैं। तो जरिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये, और आपको डिस्कशन भी कर देंगे कि किस प्रकार से इसको आपको आंसर ढूंढने थे और किस प्रकार से इसके आप आंसर लिख सकते थे, या आंसर ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बनाए गए थे ये भी आपको डिस्कशन कर देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है इस समय, तो ये सितंबर 2018 का पेपर सेट है। तो मेरे पास जो मेल मैसेज है उनको मैंने टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल सके फ्यूचर में। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में और समझने में। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। तो हाउ मेनी स्क्रोल बार कैन बी विजिबल ऑन द टेक्स्ट एरिया इफ योर डॉक्यूमेंट इज ओवर 200, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक है तो टेक्स्ट एरिया में कितने, आपको एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया में कितने डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन है आपका 4, 2, 1, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि दो आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 है या 1 या 4 जो भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे, क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप स्क्रोल बार हाउ मेनी विजिबल होंगे, यानी कि स्क्रोल बार आप समझ रहे हैं, जैसे मान ली वर्ड हमने ओपन किया है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे 100 दिखा रहा है। जब हम इसको 200 पे ले जाते हैं, मान लीजिए ये 200 पे ले गए हम, ये अब आप यहाँ देख सकते हैं 200 शो हो रहा है। तो यहाँ पे 200 पे जब ले जाएंगे तब आप देख सकते हैं आपको स्क्रोल बार एक तो आपका ये हो गया वर्टिकल वाला, और ये आपका होगा हॉरिजेंटल वाला। ये आपका तभी तभी शो होगा जब आप 200 के पार ले जाएंगे अपने पेज को, तो आपको 2 स्क्रोल बार शो होंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कहाँ से बनाया गया है। तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी भी आप मेन्यू पर जाएंगे, जब आप 200 से ज्यादा विड्थ बढ़ा देंगे अपने पेज की तो वहां पे आपको 2 स्क्रोल बार शो होंगे, 2 से ज्यादा आपको शो नहीं होंगे, आपको हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल पे होगा। तो अगर हम इसको 100 पे कर देते हैं फिर से, तो देखिए 100 पे हो गया, अभी आपको यहाँ पे एक ही शो हो रहा है जो कि वर्टिकल में है। तो यही आपसे क्वेश्चन बनाया गया था और यही क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा गया, तो आपको बताना था 1 है 2, कि यहाँ पे 2 ऑप्शन बन जाएगा, तो पहले का सेकेंड ऑप्शन होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रिवन विल यू फाइंड वेयर यू कैन ऐड ए चार्ट, यानी कि रिवन पर आप किस में चार्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया व्यू, रेफरेंस, इंसर्ट और पेज लेआउट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा इंसर्ट, यानी कि रिबन आपको ऐड करना है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा थर्ड, यानी कि इंसर्ट। तो जैसे कि मान लिया आपको चार्ट वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट में, तो इसके बाद आप यहाँ पे जाके चार्ट वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, तो वही आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा मेनू मिलेगा, व्यू मेनू में, रेफरेंस में, या इंसर्ट में, या पेज लेआउट में, कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं रिबन को, तो इसी इसी ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो किसी में भी ओपन करेंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तीनों में आपको इंसर्ट का ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे को ऑप्शन मिल जाएगा रेफरेंस है, तो रेफरेंस से आप जाएंगे तो इसमें आपको कोई ऑप्शन इस प्रकार का नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिया गया है व्यू, तो व्यू पे भी देख लेते हैं, व्यू पे भी जाएंगे तो व्यू पे भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इंसर्ट पे जाएंगे तभी आपको चार्ट, क्लिप आर्ट, सेव, जितनी भी ऐड कराने की चीजें होंगी, जैसे कि आपको टेक्स्ट ऐड कराना है, सिंबल ऐड कराना है, कोई पेज नंबर ऐड कराना है, या फुटर हेडर ऐड कराना है, या आपको कोई शेप ऐड कराना है, या कोई फोटो ऐड करानी है, या कोई चार्ट या कार्ड, कुछ भी ऑडियो वीडियो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट के ही ऑप्शन पे जाना होगा। इंसर्ट का मतलब ये होता है किसी चीज को इंसर्ट कराना या ड्रैग कराना, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड, थर्ड नंबर इंसर्ट, थर्ड नंबर है।
व्हाट रिबन डू यू यूज टू चेंज मार्जिन, रिबन में किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे। तो रिबन आपको, रिबन के मार्जिन आपको चेंज करनी है तो पेज लेआउट है, व्यू है, इंसर्ट है, होम है, तो पेज लेआउट पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी भी चीज़ को चेंजमेंट करना है तो इसका लेआउट होता है, तो इंसर्ट वहाँ पे आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ से कोई चार्ट वगैरह ऐड कर लेंगे मान लीजिए इस तरह से, तो उसको आपको लेआउट वगैरह चेंज करना है तो वो आपको किस प्रकार से काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेआउट का पेज का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें, उसकी मार्जिन, ओरिएंटेशन किस प्रकार से आपको रखना है, वो चीज़ें यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, साइज वगैरह जो भी आप करना चाहेंगे वो यहाँ से आप 1 2 3 कॉलम जैसा भी करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो यही आपसे पूछा गया तो उसका आंसर बनेगा थर्ड का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 नंबर में पूछा गया, व्हाट कैन बी शो ऑन दी स्टेटस बार, स्टेटस बार पर आप क्या दिखाई देता है आपको, तो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि यही आपका सिलेबस में ही है। उसके बाद आपका इंटरनेट और कुछ अभी नए टॉपिक ऐड किए गए हैं तो उससे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा समय समय पर। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जरूर देखें, उसी तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। और मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं वो आपको एक बार फिर से बता देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको स्टेटस बार पर क्या दिखाई देता है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंसर्ट बटन, सेल। तो ये आप तभी आंसर बता पाएंगे जब आप कभी सॉफ्टवेयर को देखे होंगे, अपने आंखों से यूज किया होगा आपने 15 दिन 10 दिन, तो भी आप इसको क्वेश्चन को, इसको अगर रटेंगे तो फिर आपको फिर मजा नहीं आएगी। अगर आप इसको यूज करे होंगे सॉफ्टवेयर को तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, और लाइफ टाइम के लिए वो आपको डाटा रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा नंबर 4, नंबर ऑफ पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड अकाउंट, स्पेलिंग। आपको सारी चीजें ये आपको मिलती हैं स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, आप अलग अलग उसमें ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ रेफरेंस है, ये आपका वर्ड है, तो पावर पॉइंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई आपको अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अलग सब में कुछ ना कुछ चेंजमेंट रहता है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग हिसाब से मेन्यू होते हैं, तो जैसा आपका पूछा जाए उस हिसाब से आप बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपका बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, रिबन के किस भाग में प्रयोग किए जाने वाले फॉन्ट्स को देखा जाता है। तो रिबन आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें किस, आपको फॉन्ट अगर यूज करना है तो किस में दिखाई देगा, तो होम ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, तो 5 का ऑप्शन बनेगा 4। 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, दी फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार में आपका क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में ऑप्शन बनेगा 3rd, बोथ होगा आपका, स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है, और इसका प्रयोग वर्कशीट टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए कॉमन फॉर्मेट, जैसे इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बनाने या इनकी फॉन्ट साइज को बदलने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये आपका जो है ये इसी बार के बारे में आपसे पूछा गया, ये कौन सा बार है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार जिसको कहते हैं, तो ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, टू चेंज दी सेल, ये दी गई है B92, ये आपकी सेल दी है, तो इस सेल फिर रेफरेंस बदलना है आपको, तो 7th का ऑप्शन बनेगा आपका C, B29 है, जिस प्रकार से आपका बनेगा ऑप्शन। वैल्यू कॉलम रेफरेंस बदलने के लिए आप किस प्रकार से एंटर करेंगे, तो इस प्रकार से आपको एंटर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ए फंक्शन इन एक्सेल में, या एक्सेल में एक फंक्शन क्या है। तो 8th में ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, एक वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट फॉर्मूला होता है, और कैन बी बिल्ड जो यूजिंग विजार्ड को, फंक्शन को विजार्ड प्रयोग करके बनाया जाता है, उपयुक्त सभी चीजें आपको मिलती है इसमें, तो इसका डी ऑप्शन बनेगा। 9 नंबर पे चलते हैं, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो कौन सा इसमें से फाइनेंशियल फंक्शन नहीं वो आपको बताना है। तो सम जो है आपका वो आपका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये आपका एडिशनल फंक्शन में आता है, या न्यूमेरिक आप कहते हैं या अर्थमेटिक कह सकते हैं, तो 9th का बी ऑप्शन बनेगा। 10 नंबर में पूछा गया, इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो बी डी ऑप्शन होगा, ABS आपका जो टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। उसके बाद 11 नंबर पूछा गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा, एजुकेशन का पूछा गया, तो EDU डोमेन जो आपका एजुकेशन का, बाकी किसी कमर्शियल आपका, तो उसी प्रकार से डोमेन आपके अलग अलग होते हैं, गवर्नमेंट के लिए जियो भी, तो अलग तरह के आपके डोमेन होते हैं। तो आपका आप एजुकेशन से परचेज पूछा गया, तो एजुकेशन के लिए आप डोमेन परचेज करते हैं, तो मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट का नाम है, तो
उसके आगे डॉट ई डी यू का आपका डोमेन लगेगा। 12 नंबर पे चलते हैं। जब आप एक वेब ब्राउजर स्टार्ट करते हैं तब वेब ब्राउजर को लोड होने वाला सब पहला वेब पेज क्या कहलाता है? तो फर्स्ट वेब पेज कहलाता है। तो 12th का ऑप्शन बनेगा सेकेंड। 13 नंबर पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर नहीं है? वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्चर, ईमेल। तो नेटस्केप जो है वो आपका एक जो शब्द है वो ब्राउजर नहीं है आपका। तो 13 का वन बनेगा। 14 नंबर पे चलते हैं। जब आप एक वेब ब्राउजर स्टार्ट करते हैं तब ब्राउजर में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है? होम पेज। जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे तो उसमें आपका होम पेज ओपन होगा। तो 14 का फोर ऑप्शन बनेगा होम पेज। 15 नंबर पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किसे इंटीग्रेटेड करता है? तो ईमेल सेट टेलनेट यूजिंग साउंड एंड मूवी फाइल। तो सारी चीज़ें आपको करता है वर्ल्ड वाइड वेब, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं उसमें। तो 15 का सी ऑप्शन बनेगा बोथ। 16 नंबर पे चलते हैं। होम टैब इंग्लिश में, अगर हिंदी में मिस्टेक हो जाता है कभी कभार तो इंग्लिश में देख लेते हैं। यूजिंग होम टैब यू कैन परफॉर्म एडिटिंग फंक्शन सच एज कट कॉपी पेस्ट एंड रिप्लेस। तो ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो इसमें ट्रू फॉल्स के भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पुटअप किए गए जैसे कि मुझे पेपर सेट मिला है। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग एडिटिंग फंक्शन ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं होम टैब में। तो ये सही है गलत? तो सही है बिल्कुल। 17 नंबर पर चलते हैं। यूजिंग इंसर्ट मेन्यू यू कैन इंसर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट सच एज पेज नंबर हेडर फुटर पिक्चर एक्सेट्रा। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। इंसर्ट मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूजिंग 18 नंबर। यूजिंग रिव्यू टैब यू कैन एक्सेस टू वेरियस यूटिलिटी ऑफ वर्ड सच एज स्पेस स्पेलिंग चेक आप कह सकते हैं या चेक मैक्रोस और मेल मर्ज सारी आपको रिव्यू टैब में मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ रिव्यू टैब होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैक्रो वगैरह है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। बाकी अलग अलग तरह में अलग अलग उस पर ऑप्शन होते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये गलत है बिल्कुल। तो बी ऑप्शन बनेगा। आप देख सकते हैं रिव्यू में आपको मैक्रो वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैक्रो का आपको व्यू ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो 18 का फॉल्स हो जाएगा। 19 नंबर पर चलते हैं। इन एमएस वर्ड एवरी कमांड अवेलेबल इन रिवन। तो ये सही है गलत है तो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, आपको सारे कमांड आपको मिल जाएंगे रिवन कमांड में। 20 नंबर पर चलते हैं। फॉर्मूला बार इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010। फॉर्मूला बार एमएस वर्ड में 2010 में उपलब्ध है कि नहीं? तो अगर आपने 2010 का सॉफ्टवेयर देखा होगा या नहीं देखा तो डाउनलोड करके देख लें या इंटरनेट पर देख लें। तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला बार नहीं मिलेगा 2010 के उसमें। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, आपको सब में मिलेगा ये। 2016 का भी यूज़ करेंगे तो आपको उसमें भी मिलेगा। तो 20 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। तो ऐसा करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा जो आपको पुटअप किए गए हैं 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट का पेपर है आपका। तो इन पेपर को जरूर सॉल्व करें, हो सकता है आपको इनमें से आगे वाले पेपर सेटों में आपको कुछ दिनों में आपको क्वेश्चन मैच कर जाए, मैच जरूर करेंगे। तो जरूर इनको हल करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।